हेलो फ्रेंड्स और नमस्कार सबको। मेरे जितने भी हमारे मेरे भैया के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पर, उन सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएँ। हैप्पी मकर संक्रांति। और थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये ब्लॉग किसके ऊपर है। और काफ़ी टाइम बाद ये ब्लॉग आ रहा है, मतलब एक साल बाद। पहले हमने शूट करा था एक ब्लॉग, उसके बाद एक साल के गेप के अंदर आ रहा है। और ये बता दूँ कि मेरे भैया अभी हैं नहीं यहाँ पर, वो स्टडी के लिए आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। तो अब बस मेरे कुछ फ्रेंड्स आएंगे, उनके साथ ऊपर सब का पतंग उड़ाने का प्रोग्राम तो है ही, मकर संक्रांति पर होता क्या है। उनका वेट करता हूँ थोड़ी देर, ब्रेकफास्ट करता हूँ, ड्रेस चेंज करूँगा अब जाके। और फिर वैसे शॉपिंग तो हमने करी ली, काइट वाइट जो भी था लाना था सब ले आए। और अब थोड़ी देर बाद छत पर जाते हैं, ऐसे भी अभी ठंड तो बहुत है, तो घर से बाहर निकलने का तो बिल्कुल मन नहीं है मेरा। आप लोग अभी नहीं होगा, देखते हैं 10-11 बजे तक फिर ऊपर चलते हैं छत पे और फिर ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं ब्रेकफास्ट कर ही लिया है। अब जैसे देख रहे हो आप, ये दो रोल लाए थे, एक रोल पहुँचा दिया मैंने ऊपर छत पे, पतंग सारी ऊपर। दोस्त आया था एक फ्रेंड, वो आ चुका है, उसको ऊपर सब पहुँचा दिया, पानी वानी सब। अब बस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब ड्रेस चेंज कर ली, देख रहे हो मिक्की माउस। अब बस फिर चलते हैं ऊपर, तो चलते हैं फिर, आ जाओ। वैसे ये हमारा ड्राइंग रूम है, जो कि अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, यहाँ पर मैंने शूट किया है इंट्रो अपना। तो अब यहाँ से ऊपर छत की तरफ निकलते हैं, वो भी वेट कर रहा होगा, बहुत देर से पहले पहुँचा हुआ है। तो अभी थर्ड फ्लोर पर आ चुके हैं, ये यहाँ से पूरा व्यू दिखता है ऐसा। अभी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मेरा फ्रेंड है दिलकुश, उससे बात करेंगे। क्या दिलकुश, ले पकड़ियो, ले पकड़। ये मेरा फ्रेंड दिलकुश, सबसे पहले आया है, जा रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया था कि हम पतंग तो पहले ही ले आए थे सुबह ही। हाँ, फाइनली पहुंच गए ऊपर। ऐसा भी तो कुछ ऐसा माहौल नहीं है पतंग तो उड़ने का, इतना 10 बजी है अभी तो, दिख ही रहा होगा। ये सिर्फ ये है विशाल भैया जो इधर उड़ा रहे हैं, उन्हें मैं जानता हूँ ऐसे, तो उन्हीं की काटी है। चलो आ जाओ, ले तू बांधना तंग मंग तो कर। अरे सब तैयार है, तैयार है। गाने वाने स्टार्ट हो गए हैं, पतंग वतंग चेक कर लें, वाला कौन सी अपन को सही है। पहले स्टार्टिंग होना है, तेरा वाला गिट्टा कहाँ है, कहाँ नीचे है क्या, कोई नहीं। उन्होंने स्पीकर लगाया, हमने तो हमारे छोटे स्पीकर पता नहीं कहाँ दिखेंगे उनके सामने। स्टार्टिंग तो हो गई पतंग उड़ना, वैसे सब आ गए छत पे, धूप भी निकल गई है और हम लग रहे हैं बढ़िया। वैसे अब पतंग वतंग ही छाट रहे हैं, जो उनसे सही लगेगी वो उनको स्टार्टिंग उड़ाएंगे, क्योंकि पहली पतंग नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि पहली पतंग कटी ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। इसलिए कौशल उसे पता आएंगे, और कौन आ रहा साथ में, और कौन आ रहा साथ में, वही आ रहे दिलराज। तो जैसे मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तीन चार फ्रेंड्स और आ रहे हैं, वो आएंगे और फिर करते हैं चालू प्रोग्राम। आई पोच से चिल्लाते हैं। क्या
कोई फटने वाली हमारे यहाँ से दिल खुल के दुआ सॉरी आप लोगों के लिए, क्या बीच में मेरे को कुछ काम आ गया था, मुझे जाना पड़ा अभी मेरी मम्मी पापा को छोड़ने स्टेशन, तो इसलिए जो बीच में जो पतंग कटी थी उसके बाद से ये बंदा सोचा कि मैं लूटने चला गया था, क्योंकि पतंग को पता है बहुत सारी है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या काम आ गया था, जब मैं गया था यहाँ से तब स्कोर था हमारा 22-8 हमने काटी थी और 8 कटवाई थी अभी तक। तो अभी देखते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ने क्या क्या किया है वहाँ पर, अभी तक स्कोर को कटवाया, बढ़वाया या फिर घटाया है। तब जा रहा हूँ उन पे उनके पास, मेरी स्लीपर्स ऊपर गंदगी थोड़ी सी हो रही है ना, स्लीपर्स पहनना ज़रूरी है। चलते ना कुछ सब पूछते हैं भाई, कितनी कटाई में जाने के बाद? 4 काटी कटवाई है, काटी है काटी और कटवाई 1। तो अभी स्कोर हो चुका है, पहले कितना था? पहले 7-8 भाई, 22 ऐसा कुछ करता अपना काटी। हाँ काटी तो होते वैसे, कटवाई 2-3 कटवाई, 8 कटवा ली अभी तक अपने, 8 कटवा ली। ले रहा है क्या और? हाँ उससे ले रहा हूँ। किससे? जी हमारे इधर आसपास। जी मेरा दूसरा फ्रेंड तो बगल वाली छत पर से उड़ा रहा है। कहाँ जा रही पतंग? ब्लू वाली आस पास तो लगे किसी से। अपनी किधर है? आस पास ही नहीं आ रही कोई यार, अब सारे तो आसमान साफ कर दिया है।
व्लॉग मैं उड़ा लेता हूँ, फिर बीच में आते हैं वापस, टाइम मिलता है तो व्लॉग के अंदर। दोस्तों जैसे मैंने बीच में रोका था ब्लॉग, तो अब शाम हो चुकी है, कोई 4 या 5 बज चुके हैं। अब मेरा फ्रेंड आया है कौशल, जिससे आप नहीं मिले थे, इसकी बात कर रहा था। विश कर दे सक्रांति, मकर सक्रांति, मकर सक्रांति। और ये इसकी बहन छोटी, पल्लू है इसका नाम, ये बड़ी क्यूट है। तो बस अब नीचे जाने वाले हैं थोड़ी देर में, और फिर आपको बताऊँगा कि हमने कैसे क्या किया। आपने देख ही लिया होगा, अगर आपने इन्जॉय किया हो तो ब्लॉग, तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूर करके जाना। और बाकी बातें अब नीचे करते हैं, ओके। तो बस अब फ्री हो गए हैं, थोड़ा सा अंधेरा होने वाला है, तो फिर नीचे जाएंगे अब थोड़ी देर में। बट बहुत थक गया, तो मज़ा ही बहुत आया। बस वो कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जो क्योंकि मैं कैमरा मैन हूँ और मैं ही ब्लॉगर हूँ, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हुई है। तो मतलब थोड़ा कम मटेरियल है, बट है तो प्लीज़। फिर बाकी की बातें चलो नीचे करता हूँ। हाँ तो फ्रेंड, जैसे मैंने कहा था कि हम ब्लॉग एंड हुआ था अपना, तो अब नीचे आ चुके हैं सब, घर घर जा चुके हैं अपने। मैं बाकी दो फ्रेंड्स से स्टार्टिंग में पड़ोस में रहते हैं, वो हैं अभी। तो अभी का प्रोग्राम ये है कि नाइट लैंप होते हैं जो, वो उड़ाएंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे वो सीन को। और वैसे मज़ा तो काफ़ी आया आज, क्योंकि फेस्टिवल ही ऐसा था, सक्रांत पतंग उड़ाने का, लड़कों को खास कर इसी मज़े आते हैं। तो फिर आप चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये 3 हैं, तो फिर 3 आपको एक चल पर चलते हैं, फिर दिखाते चलते हैं, यहाँ तो उड़ाने से रहे। तो अब हम आ गए हैं ऊपर, ये लेके ये दिल को समर्पण है। यहाँ पर लाइट जलाते हो, ये लाइट की वीडियो दिखेगा नहीं ना। ये लैंप है, अब इनको अनबॉक्स करते हैं फिर चलाते हैं। पकड़ फाड़ इनको, फाड़। सस्ते ही पड़ गए, इतने महंगे भी नहीं थे यार ये, है ना। देख तो क्योंकि जलाएगा ही पहले, एक ही वो तो उन दीदियों के लिए। फिर ज़्यादा बड़ा नहीं आ गया। दिखाता से ऊपर करके सीधा कैसे ये, यहाँ से तो फिर इसमें आग कहाँ लगानी पड़ेगी। अच्छा तो अभी पहले सेटअप कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। फाइनली फ्रेंड्स, तो ये जो आज का ये ब्लॉग है वो हम यहीं एंड करते हैं, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस ब्लॉग को। और ये अब कंटिन्यू सर्कल ब्लॉग आते रहेंगे, क्योंकि अब मैं फ्री हो चुका हूँ अपने स्टडीज से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो, तो कमेंट भी करके बताना कैसी लगी वीडियो। चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।